expected output of this program. These are all our programs are non-portable, means in that case output may change compiler to compiler. But here we are discussing according to turbo C compilers. In case of turbo C compiler, execution will be starts from main functions. Main ke according sabse pehle perform karayenge memory allocation for local variables of the called functions, and calling function will be loaded inside stack, like maybe address maybe 198 96, not a actual address, it is only my assumptions. In that case जैसे मेन फंक्शन कॉल होगा, मेन हमेशा सॉल्व मीन्स मेन सबसे पहले लोड कहाँ हो जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक. सपोज दैट हियर लोकल वेरिएबल्स और रिटर्न एड्रेस, फंक्शन रिटर्न एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन दैट प्लेस, मीन्स लीव इट सिंपली. इसके जस्ट बाद सेकेंड केस में कॉल क्या हुआ, एम वन. जैसे एम वन फंक्शन कॉल हुआ, एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेंड हुआ फ्रॉम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन टू बॉडी ऑफ एम वन फंक्शन. इमीडिएटली स्टैक के टॉप में लोडिंग किसके लिए परफॉर्म हुआ, लोडिंग फॉर एम वन, मीन्स दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम वन और लोकल एलोकेशन ऑफ लोकल वेरिएबल ऑफ द एम वन फंक्शन. सेकंड थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेट, जैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक में टू देन इमीडिएटली परफॉर्म किया हुआ मेमोरी एलोकेशन फॉर एक्स, और वी कैन से लोकल वेरिएबल और ऑटो वेरिएबल ऑफ एम वन. नेक्स्ट वन, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट स्टेटमेंट एक्स इज इनिशियलाइज्ड बाय 10, अ वैल्यू ऑफ एक्स बिकम्स 4 10. देन फिफ्थ स्टेटमेंट, डिस्प्ले क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ एक्स. एड्रेस कुछ हो सकता है लेकिन इस केस में एक्स का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 10. अकॉर्डिंग टू आउट डायग्राम आउट एड्रेस ऑफ एक्स इज ऑल्सो 98. नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ स्टेटमेंट, सिक्स्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन फिनिश होने के जस्ट बाद कंट्रोल सेंड करेंगे टू इट्स कॉलिंग प्लेस. कॉलिंग मीन्स इनसाइड मैन. सिक्स दिस इज द सेवेंथ केस. एंड एम वन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद, जैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल एम वन के बॉडी से बाहर सेंड होगा मीन्स रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस, इमीडिएटली परफॉर्म किया हुआ डी एलोकेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक. जब एम वन फंक्शन डी एलोकेट हुआ, देन एम वन के साथ साथ ऑल ऑटो वेरिएबल्स भी डी एलोकेट हो जाएंगे. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद एट्थ केस में कॉल किया हो रहा है एम टू फंक्शन. अगेन जब एम टू फंक्शन कॉल हुआ, देन एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेंड हुआ इन साइड एम टू, मीन्स इस केस में 100 लोकेशन अभी भी रिजर्व किसके लिए है, मेन फंक्शंस के लिए, लेकिन इसका टॉप प्लेस कैसा है, अनरिजर्व और डी एलोकेटेड. नेक्स्ट वन, एम टू के केस में 9th देन 10th. जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल एम टू फंक्शन के बॉडी पार्ट में सेंड हुआ, अगेन परफॉर्म किया हुआ एलोकेशन फॉर ऑटो वेरिएबल ऑफ एम टू. एम टू के अंदर ऑटो वेरिएबल डिफाइन हुआ है जब वाई, देन जो लोकेशन पहले एक्स के लिए असाइन हुआ था वो हो सकता है सेम लोकेशन अगेन किसके लिए निकला जाए, वाई के लिए. अगर ए प्लेस कोई अदर प्रोग्राम यूज नहीं कर रहा है, देन सेम लोकेशन आसान किसके लिए हो जाएगा, वाई के लिए. वाई के केस में फिजिकली कोई भी वैल्यू निचलाइज नहीं किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू एम वन फंक्शन, एम वन के अकॉर्डिंग प्रीवियसली एक्स के थ्रू सेम प्लेस निचलाइज किसी को था 10 से. 10 हो सकता है अभी भी अवेलेबल हो, अगर 10 अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, देन सेम प्लेस वाई का वैल्यू भी बाई डिफॉल्ट क्या आएगा इस केस में, मे बी 10. देन अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट 11th मीन्स प्रिंट एफ, डिस्प्ले क्या हुआ, वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू कितना फाउंड हो रहा है 10. एड्रेस वाई, वाई का एड्रेस भी कितना फंड हो रहा है 98. दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. अगेन 11th का कंट्रोल सेंड हुआ इट्स कॉलिंग प्लेस 12 एंड आउटसाइड मैन. जैसे कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर अगेन आए, देन परफॉर्म किया हुआ डी एलोकेशन ऑफ वाई. दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू ऑटो स्टोरेज क्लास.